स्टैंजा हम लोग गए थे। अरे सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने सगाई शब्द है ना, वो किसी शरीर से शरीर की सगाई नहीं है, सत्संग में ही बात चलाई जाती है। आत्मा परमात्मा की और आपके अच्छाई और बुराई की बात कहाँ चलाई जाती है? सत्संग के अलावा कहीं कोई बताता है आपको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? कहीं नहीं चलाई जाती है। तो आत्मा और परमात्मा के कल्याण की बातें केवल सत्संग में बताई जाती है, जहाँ पे गोविंद के गुणों का गान होता है, और तो कहीं नहीं किया जाता। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के कल्याण की बात केवल सत्संग में बताई जाती है। और सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, बिना गुरु के द्वारा उससे आपका कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसे बिना अगुआ के शादी नहीं होती है ना किसी, तो अगुआ एक चाहिए जो बात करवाए, आपकी बात चलाए। तो बिना गुरु के बिल्कुल संभव ही नहीं है। सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, और उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। कह रहे हैं गोविंद के बारे में हमें बता दो, जिसका हाथ पकड़ के मुझे उसके घर दुल्हन बन के जाया जाता है कि आया जाता है? दुल्हन बन करके जाया जाता है। तो हम लोगों को जाना है यहाँ से, हम लोगों को आना नहीं है, हम लोगों को यहाँ से जाना है। इसलिए उनको बुला के हथ लेवा तो करवा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं श्याम सुंदर की हो जाऊं, श्याम सुंदर हमें पति रूप में मिले। क्यों पति रूप में हमें मिले? पति कहने का केवल इतना ही कारण है कि स्त्री का एकमात्र कर्तव्य है अपने पति को संतुष्ट करना। एकमात्र कर्तव्य उसका है अपने पति को संतुष्ट करना। इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, इस जीव को उस परमात्मा का दास बना दो, ऐसा संबंध मेरा करवा दो कि मैं केवल उसी की सेवा में लग जाऊं, उसकी सेवा के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी ना रहे। जब लड़की की शादी होती है तो वो पहली बार जब अपने मायके जाती है तो चार पांच दिन बाद चली आती है, उसके बाद दोबारा जाती है तो एक आध दो महीने बाद आती है। और जैसे ही अगर रोज फोन से तो बात होती रहती है, अगर माँ की आवाज भी थोड़ी सी दबी हुई अगर लगी तो बिल्कुल अपने पति से कहेगी, देखो जी माता जी की बहुत तबीयत खराब है, अब दो चार दिन के लिए हम जाते हैं, थोड़ा माता जी को देख करके आते हैं। पति बोलता है ठीक है, दो चार दिन के लिए चली जाओ। गई फिर आई, धीरे धीरे करके
एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेटा जब बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तब वही माँ फोन करके कहती है कि बेटा बहुत तबीयत खराब है, एक बार चली आओ मुझे देख जाओ, बड़ी तुम्हें देखने की इच्छा होती है। वही लड़की कहती है माँ बहुत काम है, इस समय हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बच्चे का स्कूल है, चुन्नू रोज स्कूल जाता है और उसकी स्कूल छूट जाएगी। वही लड़की है ना जो कल आवाज थोड़ी सी दबी हुई सुन करके जिद करती थी कि हमें जाने दो, मैं जाऊं माँ को देख करके आऊं। लेकिन आज वही लड़की है जो आज ये कह रही है, खुद माँ के बुलाने से भी नहीं आ रही है, कह रही है कि हमारी माँ गृहस्थी बिगड़ जाएगी। तो आज आपको लग रहा है कि हमारी गृहस्थी बनी बनाई है, जिस दिन गोविंद से प्रेम हो जाएगा और गोविंद से अपना संबंध जान लोगे और गोविंद के बारे में जान लोगे, इस संसार के बारे में जान लोगे ना, तब तुम कहोगे ये भाई थोड़ी देर के लिए शांत रहो, हमें थोड़ा जप कर लेने दो। खुद अपने मुख से यही बात बोलोगे अपने घर में कि भाई थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स दो, थोड़ा सा हमें आराम दो, मैं थोड़ा भगवान का नाम जप कर लूं थोड़ा सा। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि बार बार कहना पड़ता है थोड़ा जप किया करो, जप किया। महाराज टाइम कहाँ है, बहुत व्यस्त है, जिंदगी में बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, समय नहीं मेरे पास, आएगा समय बिल्कुल आएगा, गोविंद कृपा करेंगे जिस दिन उस दिन जरूर समय। क्यों? क्योंकि अभी हमें ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक किसी की आंख नहीं खुलती, जब ठोकर लग जाएगी तो बिल्कुल आंख खुल जाती है। वो लड़की बार बार जाती थी क्योंकि अभी उसका संसार वहां बसा नहीं, अभी जहां वो गई है अभी नई नवेली है, अभी वहां उसका संसार बसा नहीं, अभी वहां अपना संसार बस जाएगा ना तो वो अपनी बहू को कहेगी हमें मत पढ़ाओ, ये हमारा घर है तुम्हारा नहीं है। वो वहां जाकर के वो कहती ये घर हमारा है, इतना जबरदस्त कब्जा, इतना जबरदस्त, वो दूसरे से घर, दूसरे घर से आकर के आज कह रही कि ये घर मेरा है कि तुम्हारा नहीं है। ये अध्यात्म कहता है महाराज, ये अध्यात्म है, अध्यात्म को जानने वाला व्यक्ति फिर वो पूर्ण रूप से कहता है मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर तो वो है, मेरा घर वो है, ये तो माई का है, माइके में बेटी जन्म लेती है, तो तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है, तुम्हें जाना वही है, कहाँ अपने ससुराल। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी रचा के मुझे सुंदर सजा दो, लगा के मुझे सुंदर सजा दो। आप जानते हैं किसी का हाथ कितना भी गंदा हो, कितना भी काला हो, कितना भी मिट्टी लगा हो, जब वो हाथ में मेहंदी रचाता है ना, अगर मेहंदी अच्छे से अपना कलर छोड़ दी ना तो उसके हाथ की खूबसूरती बढ़ जाती है और उसके हाथ में जो कमियां होती हैं वो कमियां छिप जाती हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, यानी गोविंद के नामों के द्वारा अपने शरीर को सजाओ। जिस दिन गोविंद के नाम का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा ना उस दिन तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां छिप जाएंगी, सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर की छिप जाएंगी और तुम्हारा जो मन है ना वो बहुत सुंदर हो जाएगा, गोविंद कहेंगे तब। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो।
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। क्योंकि बिना उसकी पत्नी बने हमें न तो पुत्र सुख मिल सकता है, न तो पति का सुख मिल सकता है। केवल उसकी शरण लेने मात्र से, केवल उसका आश्रय लेने मात्र से सारे सुख हमें मिलते हैं। कौन सा सुख नहीं मिलता, गिन लो आप। पुत्र सुख मिलता है, पुत्री सुख मिलता है, पति सुख मिलता है, ससुर का सुख मिलता है, सास का सुख मिलता है, देवरानी का सुख मिलता है, जेठानी का सुख मिलता है। इतने सारे सुख मिलते हैं केवल एक व्यक्ति के चरण में आश्रय लेने से, केवल पति की पत्नी बनने से इतने सुख तुम्हारे पास आते हैं। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कब हो न छूटे। कहते हैं कि ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। बोले ये जो गोविंद के नाम का ये जो चादर है, चदरिया झीनी रे झीनी, आप लोग बहुत सुने होंगे। तो ये जो राम नाम का, कृष्ण नाम का जो चादर आप ओढ़े हैं ना, वो कभी अपना रंग नहीं छोड़ता, वो बेदरंग नहीं होता। कहते हैं ना, कभी कभी कोई चद्दर रंग छोड़ देता है, जब कोई चद्दर रंग छोड़ता है ना तो वो बड़ा खराब दिखता है, वो साफ भी नहीं होता और ना तो आपके काम कराया जाता है। लेकिन जो राम नाम का चद्दर है ना, ये कभी रंग नहीं छोड़ता। भजन करने वाले व्यक्ति को कभी भजन छोड़ते हुए तुम नहीं देखोगे, कभी नहीं छोड़ते हुए, क्योंकि सब रंग उतर सकता है, ये रंग कभी उतर नहीं, कभी नहीं उतर सकता। ये तो रंग उतरेगा तब जब तुम्हें गोविंद के चरणों में पहुंचा देगा, तब तभी छोड़ेगा। और कह रहे हैं ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, केवल वही एक ऐसा पति है जो कहीं साथ नहीं छोड़ता। ये सब तो लोकल पति हैं, ये तो आज है कल नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं, ये तो सब माटी के बने हुए हैं। आज हैं तो बज रहे हैं, कल कुछ हवा निकल जाएगी, इनकी कोई गारंटी नहीं है। इन पर विश्वास करने से धोखा खा जाओगे। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, असली पति तो वही है, उसको चुनो जो तुम्हारा सब जगह साथ देगा, सारी मनोकामना की पूर्ति करेगा। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरुण दुल्हा जो कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज कह रहे हैं आज मोतियों से मेरी मांग भरा दो, मुझे सजा दो। मोती मीरा जी ने किसको कहा था, राम नाम के हीरे मोती, अरे मैं बिखरा हूं गली गली, अरे ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, और मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। ये मोती मीरा जी ने बताया, क्यों इस मोती को पहचानने वाली केवल मीरा जी। मीरा जी गोविंद की हो गई थी, इसलिए मीरा जी मोती कह रही, किसको, कृष्ण नाम को, राम नाम।
और हमारे यहाँ रत्न होते हैं, रत्न में मोती होती है कि नहीं? उन नौ रत्नों में मोती भी होती है। तो सबसे महंगी मोती बता रहे हैं क्या है? राम नाम, कृष्ण। इसलिए मीरा जी ने मोती की व्याख्या की कि केवल कृष्ण नाम और राम नाम ही असली मोती है, बाकी सब नकली मोती है। इसलिए कह रहे हैं अपने जीवन के श्रृंगार को यदि करना है तो तुम राम नाम से अपने आप को सजाओ, राम नाम से कृष्ण नाम से अपने आप को सजाओ, अगर सजाना है तो। आगे कहते हैं महाराज, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सुरमा जानते हैं किसको कहा जाता है? आंख में जो लगाते हैं काजल, जब बचपन में माँ इस वाले अंगुली में मोटी अंगुली में लगा करके काजल जब आंख में मारती थी महाराज, तो एक बार तो आंख की रोशनी फेल हो जाती थी। लेकिन वो क्या करता है, वो आंख की रोशनी को बनाए रखता है। जो सुरमा होता है, जो आंख में लगाने वाला काजल होता है ना, उससे आंख की रोशनी बढ़ती है। इसलिए कह रहे हैं भक्ति का सुरमा, बोले जब तक तुम भक्ति रूपी काजल को अपने आंखों में नहीं लगाओगे तब तक तुम सही चीज को कभी देख नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारी रोशनी बढ़ नहीं सकती तब तक तुम धुंधला, इसी को कहते हैं धुंध। जो धुंध के कारण हमें सही चीजें नहीं दिखाई देती हैं और हमारा एक्सीडेंट होता है। इसलिए भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति करो, जिस दिन भक्ति करने लगोगे तुम्हारी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी और सही सही चीजें तुम्हारे सामने साफ साफ करके दिखाई देने लगेगी, और बुरी चीजें अलग होती है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि अच्छाई और बुराई में तुम फर्क करना सीख जाओगे यदि भक्ति करना सीख गए तो, और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। जब तक तुम इन सारी चीजों में फंसे रहोगे तब तक तुम उनके नहीं हो सकते। माइका जब तक नहीं छूटेगा तब तक ससुराल तुम्हारा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ससुराल का पूर्ण रूप से होना है तो माइका को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल के लोग दोनों पर पैर रख कर चल रहे हैं। एक तो कहावत है ना कि दो नाव पर कैसे कहते हैं, अब पता नहीं समझ में तो नहीं आ रहा है। तो अब आप लोग देखिए हंसने लगे, आप लोग जानते हैं उसको। इसलिए दो नाव पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए, इधर से भी उधर से सवारी नहीं करना चाहिए। तो पहले मायका छोड़ो, जो लोग मायका से संबंध रखते हैं ना उनका कभी कभी ससुराल नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत मतलब मत रखो, मायका को छोड़ोगे तभी पूर्ण रूप से ससुराल का प्रेम पा सकोगे, ससुराल तुम्हारा हो सकेगा, तभी हो सकता है। एक को छोड़ना पड़ेगा। सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गा
श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, कहते बाद के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि उस पत्नी का प्रत्येक कार्य ये इंगित करता है पति की संतुष्टि। पत्नी जो कुछ भी करती है वो सब कुछ केवल अपने पति की संतुष्टि के लिए करती है। दिन भर घर में काम करती है, पति घर में है या नहीं है, घर को दिन भर बनाती रहती है, सजाती रहती है, क्यों? पति की संतुष्टि के लिए। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य अपने पति के लिए होता है। वो जो कुछ भी करती है केवल उन्हीं को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो तमाम प्रकार की चीजें करती है कि ये संतुष्ट रहे, खुश रहे। लेकिन ये लोकल पति हैं, इनको कभी संतुष्ट आप नहीं कर सकती कभी भी। इनका यही स्वभाव, कुछ भी कर लो लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन वो जो गोविंद है ना, वो बिल्कुल बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। कह रहे ले गए कि तारा में श्याम श्याम गाऊंगा, दिन भर केवल उसी की बड़ाई। कहीं पति की बात होती रहती है तो हम बगल वाली दीवार में कान लगा करके सुनते हैं। जब अपने पति की बड़ाई होती रहती है तो मन को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पति की बात हो रही, हमारे पति इतने अच्छे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब अपने ओरिजिनल पति की कहीं बात हो तो हमें सुनना चाहिए। जो गोविंद को अपना ओरिजिनल पति नहीं मानता वो तो कहता है क्या हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे दूसरे के पति की बड़ाई होती है तो दूसरे की पत्नी के काम की चीज नहीं होती, अरे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब अपने पति की बात होती है तो कान लगा करके सुनती है कि हमारे पति के बारे में बात हो रही है। अपने पति की बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है। इसलिए गोविंद हमारा परम पिता है, हमारा पति है, हमारा सब कुछ है। इसलिए उसकी बातें हमें अच्छी लगनी चाहिए यदि वो हमारा है तो, और हमारा नहीं है तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जिसने गोविंद को अपना मान लिया वो तो इंतजार करता रहता है महाराज कब एक बजेगा और कब कथा शुरू हो जाएगी। उसके मन में तो घड़ी बीतने में बहुत विलंब करती है और कथा का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ये प्रेम को इंगित करता है। सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो, सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करवा दो, ओ सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो। हमारे पहले माँ बाप ही गुरु होते हैं, हमारे प्रथम गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। तो बताओ लड़के के हाथ में कौन देता है हाथ? पड़ोसी देता है, कौन देता है? माँ बाप ही तो देते हैं। माँ बाप ही तो हाथ पकड़ करके लड़के के हाथों में देते हैं और तुमको गाड़ी तक ले जा करके बैठाता है तुम्हारा बाप। पिताई तो करता है ना, पिताई गले लगा करके ले जा करके डोली तक तुम्हें बैठा करके आता है। तुम्हारी विदाई भी पिताजी के द्वारा होती है। तो इसलिए गुरु के बगैर हम लोगों की यहाँ से विदाई नहीं हो सकती। गुरुकरण हमको करना ही पड़ेगा, चाहे एन किन प्रकार की चाहे जैसे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम